राजसमंद जिले के प्रतापगढ़ में आयोजित मढ़ई मेले में विधायक रामपाल सिंह राजपूत शामिल हुए। यहां उन्होंने ढालों की पूजा अर्चना की है और मौनियों को प्रसाद का वितरण कर ढालों के साथ में नृत्य किया है। मेले में जनसेवा अभियान के तहत शिविर का आयोजन भी किया गया था, जहां पर ग्रामीणों ने आवेदन देकर शासन की समस्याओं से अवगत करवाया है। मेले में पहुंचे विधायक राजपूत ने कहा कि जनसेवा अभियान के तहत बीजेपी सरकार गांवों और शहरों में शिविर आयोजित कर शासकीय योजना का लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना से लाभ से वंचित पात्र हितग्राहियों को लाभ दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को पहुंचाने में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को दंडित भी किया जा रहा है। सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि कोई भी वंचित व्यक्ति हितग्राही योजनाओं से वंचित न रहे। जनता नहीं देती, हम विधायकों ने वोट दिया। आदिवासी विधायक कमलनाथ जी को कहा कि आजादी के बाद पहली बार हमारी बहन लड़ रही चुनाव राष्ट्रपति का, हमको वोट दो। कमलनाथ जी ने इनकार कर दिया और विरोध में वोट दिया। ऐसे लोग ये चाहते हैं आदिवासियों के हित ही होंगे, गरीबों के नाम काटने के हित ही होंगे। राष्ट्रपति जनता 90 से जब से मिला मुझे जवाबदारी छत्ती मिली है, इस मढ़ई को हमने विस्तार किया। पापा चमेली सब जाते थे, फिर प्रतापगढ़ में शुरू किया और आज सबको दीपावली के पावन पर सब भाइयों को बधाई पूजा की। सब पंडा हमारे क्षेत्र के आते हैं ढाले लेके, उनका सम्मान भी किया गया प्रतिमाओं का, होगी इसलिए हमें दादाजी की याद आ गई तो हमें प्रेम के आंसू आ गए। ऐसा लोगों का आशीर्वाद है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हमको मिल रहा है और जनता भी पूरा